Dear students, in this module, we are going to discuss a very interesting theory of structural functionalist perspective to understand the deviant behavior. It is the strain theory given by Robert K. Merton about how mainstream values can produce the deviance. Strain theory suggests that deviance is a result of individual feeling, a sense of strain. और फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू अक ऑफ़ एक्सेस टू मेन स्ट्रीम गोल्स और वैल्यूज़ अमूमा ये होता है कि आपके लिए जो नॉर्म्स होती हैं वो वेल well डिफाइंड होती हैं वैल्यूज़ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं मिसाल के तौर पर मनी इज़ अ वैल्यू सक्सेस इन एग्ज़ामिनेशन इज़ अ वैल्यू ऑनर और रिस्पेक्ट इज़ कंसीडर्ड अ वैल्यू और इनको कैसे एक्सेस किया जा सकता है पैसा कमाने के जायज़ तरीके क्या हो सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर आपके सक्सेस के जो इंडिकेटर्स uh, हैं वो क्या हो सकते हैं और किन तरीक़ों पे अमल करके आप किन जायज़ तरीक़ों पे अमल करके आप उसके अंदर सक्सेस अचीव कर सकते हैं ये सारे रास्ते जो हैं ये वेल well डिफाइन होते हैं लेकिन अक्सर अवत क्या होता है कि आपके लिए जो गोल्स हैं वो तो वेल well डिफ़ाइन होते हैं नॉर्म्स भी उसके हवाले से वेल well डिफ़ाइन होती हैं लेकिन उनको एक्सेस करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं मिसाल के तौर पे पैसा कमाना है ये तो सबको पता है कि जायज़ तरीके उसके कौन से हैं लेकिन वो जायज़ तरीके कुछ इंडिविजुअल्स के लिए जो है इनएक्सेसिबल हो जाते हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो मौक़े नहीं मिल पाते जिसकी वजह से वो उन जायज़ रास्तों पे चल के अपने जायज़ मकासद को हासिल कर सकें तो ये जो गैप होता है एक्सेस टू दोज रिसोर्स इसकी वजह से एक मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेन पैदा होता है तो ये फ्रस्ट्रेसन जब मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन में कन्वर्ट होती है तो फिर इंडिविजुअल्स जो हैं वो डेवियंट रास्ते अख्तियार करते हैं इन पाकिस्तान लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन And employment opportunities can create the sense of strain or frustration leading to the deviant behavior. So strain theory can be used to understand the root causes of deviance and how to address them, such as through increasing access to education and employment opportunities. So Robert K Martin bazukat इंसान के गोल तो पॉजिटिव होते हैं लेकिन उन गोल्स को एक्सेस करने के मीन्स नेगेटिव हो जाते हैं तो डिवियंसी तब अक् नहीं होगी जब गोल भी पॉजिटिव हों और मीन्स भी पॉजिटिव हों लेकिन अगर गोल पॉजिटिव हैं और मीन्स नेगेटिव हैं या मीन्स पॉजिटिव हों और गोल्स नेगेटिव हों तो भी डेवियन्सी अक्कर होती है और बाजूक तो यहाँ तक सिचुएशन चली जाती है कि इंसान अपने लिए पुराने गोल्स और पुराने मीन्स को रिजेक्ट करके नए गोल्स और नए मीन्स अडॉप्ट करता है इसीलिए उनको रेबल्स कहा जाता है और रिबेलियस जो है रिबेलियन जो है ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेवियंस कंसीडर होती है सो इन अ अचुरल स्ट्रेन थीरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट हाउ नॉर्मल बिहेवियर क्रिएट्स द सेंस ऑफ और नॉर्मल वैल्यूज एंड प्रैक्टिस क्रिएट अ सेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर इंडिविजुअल्स विच वुड अल्टीमेटली लीड टू द डेवियन बिहेवियर